हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में बाजार पूरी तरह से बंद हैं और बाजार के आसपास लगने वाले रेहड़ी फड़ी भी पिछले दो महीने से लगे लॉकडाउन के चलते बंद हैं, जिसके चलते रेहड़ी फड़ी लगाने वाले स्थानीय लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में रेहड़ी फड़ी लगाई जाती थी, जिसमें खाने पीने की वस्तुएँ और अन्य सामान बेचा जाता था। ये सारा कारोबार बाहरी प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के ऊपर निर्भर था, लेकिन अब ये कारोबार पूरी तरह बंद हो चुका है और दुकानदार रेहड़ी फड़ी वाले परेशान हैं। अपना गुजारा करें भी तो कैसे करें। रेहड़ी फड़ी वालों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी उचित सहायता प्रदान की जाए ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। असीं इत्थे रेहड़ी फड़ी लगांदे जी, नैणा देवी रेहड़ी फड़ी है, गोलगप्पे चाट वगैरह, और जो कि डेढ़ महीने से बंद पड़ी है और उसकी वजह से मंदिर बंद है डेढ़ महीने से, और उसकी वजह से कोई आ जा नहीं रहा है, इसलिए हमें यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, जो कि हमारे पास राशन भी नहीं है खाने के लिए भी, अब जो बचत थी वो भी ख़त्म है, जिसकी वजह से हमें भी कोई सरकार भी हमारे बारे सोचा जाए ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से राकेश शर्मा।